ये सैम भी ना, सब कुछ एंड मोमेंट पर ही होना था। पूरी फैमिली की आदत है शायद, टाइमिंग ही खराब है। पल्लवी, वो जो मैंने कहा, मुझे सुसु जाना है। बाथरूम ये रहा। नहीं, ये वाला नहीं, मुझे नहीं। मैं कहीं और चली जाती हूँ। पल्लवी, पल्लवी मेरी बात सुन प्लीज। लिसन पल्लवी। अरे ये रिंग किसकी है? वो आपको ये रिंग कहाँ मिली? ये कब से हम ढूंढ रहे हैं, इसकी रिंग है मेरी। हाँ, ये तो बिल्कुल समायरा को जैसी राहुल ने दी थी। वो करेक्ट, वो सैम की रिंग मुझे इतनी पसंद आई ना आंटी कि मैंने बस अपने आप के लिए सेम टू सेम बनवा ली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बार बार घुमाती रहती है आंटी, इसे पहनो भी। आपके हाथ में लहंगा क्यों नहीं है? वो जाइए प्लीज, तैयार हो गया। जाइए जाइए जाइए, गो हैव फन विद एवरीबॉडी। जाइए, संभाल के बेटा। हाँ हाँ, मैं ये रिंग सैम को देके आती हूँ, वो टेंशन कर रही होगी। श्योर। मिल गई तेरी रिंग, संभाल के रखना। नमस्ते बुआ जी। अरे आई अंकल जी। अरे एक सेकंड, बैठना यार, कितना काम करेगी, मेहंदी लगा। ओहो अंकल, आंटी ना क्लास लेगी आपकी, पकड़िए, साफ करता हूं मैं। कितनी क्यूट लग रही है मेरी बहन। आंटी जी, बस इयररिंग्स पहनने बाकी है, बाकी देखिए आज आपकी बेटी क्या पटाखा लग रही है। लेकिन आज के लिए लुक थोड़ा सिंपल नहीं हो गया? अब सिंपल नहीं आंटी, एलिगेंट, जैसे आलिया भट्ट ने किया था। और हमने नायका से सटल पैलेट्स और लिपशेड भी ऑर्डर किए थे जो आपकी बेटी को बहुत सुंदर लगे थे। अब देखिए कितनी जच रही है। लेकिन दुल्हन ना एकदम अलग से दिखनी चाहिए, ऐसे तो कोई देखेगा नहीं इसको। क्या यार मम्मी, शादी है, कोई सर्कस नहीं है जो मैं जोकर बन जाऊं। मैंने यही लुक डिसाइड किया था, और वैसे भी मेरी हजार वॉट की स्माइल सबको दूर से दिखी जाएगी। अच्छा बाबा, जैसे तुमको ठीक लगे। वैसे भी मेरी बेटी हमेशा ही प्यारी लगती है। और किसी की नजर ना। चलो गेट रेडी फास्ट। क्या बात है मैडम, शादी से पहले बड़ी शेर बन रही है। कुछ भी ना दिमाग में नहीं रखना चाहिए, ज्यादा टेंशन होगा। सो जो मन में है उसे बस कर दो। क्या दादा, ये क्या कर रहे हो आप? ये मेरे फूल थोड़ी बोले थे मैंने, थोड़ा ध्यान से काम कीजिए प्लीज, टाइम नहीं है। पल्लवी, क्या हुआ, कुछ हेल्प चाहिए? हाय हाय, वो नहीं, वो हेल्प तो नहीं, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। अर्णव, वो जो कल तुमने मुझसे कहा। हाँ। मैडम, कौन से फूल? वही फूल भैया जो मैंने कल लगाने के लिए बोले थे आपको। हाँ, so no, it's okay. I was saying, वो जो तुमने मुझसे कल स्टोर रूम में कहा, मैं थोड़ा कल कब बोला था मैडम? कल बोला था मैंने भैया, आप भूल गए हैं। अरे वो वहाँ वाले फूल आप यहाँ लगा दीजिए ना प्लीज। I'm so sorry no, no, for this. No, no, it's okay. I understand. Just say whatever you were saying. तुम कुछ कह रही थी। मैं और ये कहना चाहती थी कि अरे मैडम, बट फूल कौन से भाई साहब, हम ये कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि कल वैन में येलो गेंदे फूल आए थे, वो एंट्रेंस पे लगाने। भाई दो मिनट भाई, इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, कर लो प्लीज। अर्णव,
प्लीज अर्णव, तो बात करने के लिए दो दिन ले सकती है, मैं सुनने के लिए दो मिनट नहीं ले सकता। हाँ तो गलती तुम्हारी है ना। मेरी गलती कैसे? नर्वसनेस फैक्टर इन करना भूल गए थे। What? Also, I really, really like the one who has started liking the one who makes Excel sheets. Start like this person who excels. एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये समझने में कम से कम दो दिन तो लग ही सकते हैं। Shut up, Arnav. पल्लवी, तू क्या कर रही है यहाँ पे? तैयार नहीं होना तुझे? क्या कर रही है? Arnav, तेरा ध्यान कहाँ है? ये गेंदे के फूल किसने लगाए हैं यहाँ पे? कार्नेशन बोला था ना मैंने? सर, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। वो लड्डू हुए हैं कि नहीं यार? हाँ, वो कार्नेशंस थे। भैया, कार्नेशंस लगाने, हम जरा आते हैं। रेडी? लड़के वाले रेडी हैं? क्या बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बंदर भी इतना प्यारा लग सकता है। What's it? Course, everything is Not set. यार मेरे पैरों पे तो नेल पॉलिश लगी ही नहीं। यार सैम। वाह वाह, जल्दी दो दो दो। मैं लगाता हूँ। हाँ। Guys, लड़की वाले रेडी हैं। भाई गिरा रहे हो? Sorry. ओफो। लाओ मैं कर देती हूँ। Yeah, please. Guys, लड़के वाले वेट नहीं कर रहे? हाँ, वो एक्चुअली चिल है। मैं देख के तो सब अरेंजमेंट्स हुए कि नहीं। चले So, Miss Samaira Sharma, are you ready to spend the next 1,000 years with me? Yes. Hi guys, don't forget us when you're planning your wedding. Shop on the Nykaa Beauty app for all of your wedding beauty essentials, and for your fashion needs, head on over to the Nykaa Fashion app. And subscribe to Nykaa TV.